मैं आप सबका अपना केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपे केपीजे स्टार चैनल में। तो आज जो की बात करने वाला आपे सुजमा गरुड़ आर्मी भर्ती डॉक्यूमेंट के बारे में। तो काफी सारे लड़के यहाँ पे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर सुजमा गरुड़ में जो आर्मी भर्ती होने वाली है उस भर्ती के लिए हमें कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे भर्ती के टाइम अपने साथ लेके जाना है। इससे पहले भी यहाँ पे मैं 4 से 5 जो वीडियोस हैं वो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। आज मैं फिर इसलिए यहाँ पे वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ क्योंकि आप सबके बहुत सारे जो कमेंट थे वो यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताऊंगा जो आपको यहाँ पे सुजमा गरुड़ आर्मी भर्ती के लिए अपने साथ लेके जाने हैं। तो इसलिए भाई अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो नोटबुक निकाल लीजिए, उस पे जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वो यहाँ पे लिख लीजिए, या तो अपना फोन निकाल लीजिए वहां पे टाइप करके वहां पे लिख लीजिए। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे वीडियो बना के आपको नहीं बताने वाला। इससे पहले भी 4 से 5 वीडियो बना चुका हूं, अब जो वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट के बारे में वो बनाऊंगा सीधा सुजमा गरुड़ आर्मी गेट के बाहर जाके, ठीक है। जब लड़के यहाँ पे भर्ती देख के बाहर आएंगे ना, जब उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरी तभी बनेगी, ठीक है। आज मैं वापस बता दूं जो भर्ती जाने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपकी गेट पे चीजें देखी जाएंगी। एक चीज आजकल ज्यादा देखी जा रही है वो देखा जा रहा है एफिडेविट। आप सबने सुना होगा कि एफिडेविट की वजह से काफी सारे लड़कों को गेट से ही बाहर किया जा रहा है। इसलिए भाई लोग सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड होना चाहिए आपको ये चीज पहले बता दूं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड को फोल्ड नहीं करना, ठीक है। फोल्ड करोगे भाई दिक्कत आएगी, एडमिट कार्ड को सीधा रख दीजिए, जो आपकी फाइल होगी ना डॉक्यूमेंट वाली उसके अंदर आपको बता दूं एडमिट कार्ड को रख दे, ठीक है। पहले नंबर आपका आ गया एडमिट कार्ड, नंबर 2 पे आपका आधार कार्ड, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, नंबर 3 पे आपके पास कोड वाला एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है। कोड वाला जो एफिडेविट है वो आपके पास होना चाहिए। ये 3 चीजें आपकी गेट पे चेक की जाएंगी, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एफिडेविट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे भाई 20 फोटो होने चाहिए आपके पासपोर्ट साइज छोटे, 20 फोटो, ठीक है, 20 पासपोर्ट साइज छोटे आपके फोटो होने चाहिए। नंबर 4 जो हो गए 20 पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर 5 पे अब बारी आती है आपकी जो आपकी मार्कशीट है 10th की, ठीक है। अगर आपने ट्रेडमैन में 8th बेस पे फॉर्म लगाया तो आपके पास 8th की होनी चाहिए, टेक्निकल में फॉर्म लगाया, क्लर्क में लगाया फिर आपके पास 10th एंड 12th की दोनों होनी चाहिए। अगर आपने GD में फॉर्म लगाया तो आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट भी होनी चाहिए और उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपके पास 10th का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर किसी भाई के पास 10th का डिप्लोमा नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर किसी भाई के पास 10th का डिप्लोमा नहीं है, उसका डिप्लोमा स्कूल में है, अभी तक बोर्ड से यहाँ पे स्कूल में नहीं आया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आर्मी वाले पूछेंगे तो उनको बोल देना कि सर अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मेरा डिप्लोमा अभी स्कूल में है तो स्कूल वालों ने अभी दिया नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दूं कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10th की मार्कशीट होगी ओरिजिनल, वो चल जाएगा, ठीक है। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए 10th की मार्कशीट लगा के। नंबर 6 पे अब बारी आती है आपकी डोमिसाइल की, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो आपको बता दूं डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है, ओरिजिनल भी चाहिए और साथ में 2 से 3 फोटो कॉपी भी चाहिए। 6 ये हो गए। नंबर 7 पे अब बारी आती है आपको बता दूं यहाँ पे करेक्टर की, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट काफी सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर सरपंच वाला बनाए, पुलिस वाला बनाए, कौन सा बनाए। भाई देखिए ऑनलाइन बनता है तो भी ठीक है, सरपंच वाला बनता है तो भी ठीक है, पुलिस वाला बनता है तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो उपाटन है वो पुलिस वाला ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन बनाए चाहे पुलिस स्टेशन जाके बनाए तो वो आपके लिए उपाटन रहेगा। अगर सरपंच वाला बना रहे हो वो भी बना लीजिए साथ में, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो नंबर 7 हो गया आपका करेक्टर। नंबर 8 पे आप बारी आती है अनमैरिड की, तो आपको बता दो अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। नंबर 9 पे आप बारी आती है, मैं आपको बता दू यहाँ पे नंबर 9 पे जो बारी है वो यहाँ पे है इस समय आपको बता दू यहाँ पे कास्ट की, ठीक है। कास्ट काफी सारे लड़के बोलेंगे कि सर हमें कास्ट बनाना है या नहीं बनाना, तो आपको बता दू आपको कास्ट जरूरी बनाना है। नंबर 1 पे वापिस बता दू कि आपको यहाँ पे नंबर 1 पे क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड नंबर 1,
नंबर दो पे आधार कार्ड, नंबर तीन पे मैं आपको बता दूं एफिडेविट, नंबर चार पे आपको बता दूं यहाँ पे आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, टेंथ की हो चाहे एट की हो, जिस बेस पे आप भर्ती देख रहे हो ओरिजिनल भी होनी चाहिए, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। नंबर पांच पे आपके 20 फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। नंबर छह पे मैं आपको बता दूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नंबर सात पे आपके पास यहाँ पे कास्ट होना चाहिए। नंबर आठ पे आपके पास अनमैरिड होना चाहिए। नंबर नौ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्टर जो है करेक्टर कास्ट वो यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, ये तीन चीजें, ठीक है, नंबर सात आठ और नौ, ठीक है, करेक्टर अनमैरिड और कास्ट भाई सबको बनाना है, ये चीज मेरी याद रखिएगा। इसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट, ठीक है, काफी सारे लड़के डाउट में पड़े हुए हैं भाई, कोई जरूरत नहीं है रिलीजन की, ठीक है, कोई उपाटन नहीं है रिलीजन, तो इसलिए नंबर 10 पे आप बात करते हैं यहां पे नो क्लेम की, यानी कि नो रिस्क सर्टिफिकेट की, ठीक है, नो रिस्क जो सर्टिफिकेट है जी आपको बना लेना है। अब नंबर 11 पे मैं बात कर लूं, अब बात आती है जिससे काफी सारे लड़के परेशान है, यानी कि यहां पे आपका मांगा गया है स्कूल का करेक्टर जॉब बोनाफाइड, ठीक है, अगर बोनाफाइड बनता है भाई वो बना लीजिए, अगर स्कूल का करेक्टर बनता है वो बना लीजिए, लेकिन दोनों में से एक जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कल डॉक्यूमेंट की वजह से यहाँ पे बाहर नहीं किया जाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये उपाटन रहने वाले हैं आपकी आर्मी भर्ती के लिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप सबने यहाँ पे जरूर बना लेने हैं। बाकी और कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने साथ लेके भर्ती में जाना है, तो सभी के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए, दो से तीन फोटो कॉपी भी सभी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।